गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. लास्ट डे आई हैव जस्ट गिवन यू सम क्वेश्चन टू सॉल्व एज अ फैक्टराइजेशन एंड यू माइट हैव सॉल्व द क्वेश्चन बट सम ऑफ यू माइट हैव फेस सम प्रॉब्लम इन सम क्वेश्चन. तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द सेलेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू टू सॉल्व एज अ फैक्टराइजेशन इन द लास्ट डे. ओके. तो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस सम बेसिक थिंग अबाउट द फैक्टराइजेशन. Try to understand. Suppose in a bracket, if a number is that a plus b is there, in a bracket a plus b is there, and outside suppose a number is minus 2. So if you wanted to multiply the number inside the bracket with a negative term, then the sign will change. So if minus 2 se agar a plus b ko aap multiply karoge, to iska answer aapko likhna padega minus 2a minus 2b. Matlab agar minus term se agar bracket ke andar ke number ko multiply kiya jaye, to unka sign reverse ho jayega. Agar ye aisa rahta minus 2 multiply by a minus b, to main aisa likhta minus and plus minus and 2a minus or minus plus 2b. तो अगर आप माइनस वाले टर्म से किसी भी ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर का सारा साइन चेंज कर जाएगा. अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा. जैसे ये प्लस में था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो चुका. नाउ दिस इज रिगार्डिंग द मल्टीप्लीकेशन. नाउ रिगार्डिंग द टेकिंग आउट द कॉमन थिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से सुनो इसको. अगर सपोज करो एक नंबर है, अगर यहाँ पे 2a और अगर यहाँ 4 है, अगर मैं इन दोनों से कॉमन निकालना चाहता हूं तो अगर मैं सिर्फ 2 निकालूंगा तो मैं लिखूंगा a माइनस टू, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 निकाला. और अगर मैं यहां से माइनस 2 कॉमन निकालना चाहता हूं, तो कभी भी अगर आप दो टर्म में से अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो उसका जो भी ओरिजिनल साइन है वो चेंज कर जाएगा. जैसे यहां पे अगर ये 2a प्लस में है तो मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस a. क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगे तो वापस से मेरे को प्लस मिल जाएगा और फिर 2a. और यहां पर यह माइनस है तो मेरे को लिखना पड़ेगा 2a. तो अगर इस वाले टर्म से अगर माइनस 2 कॉमन निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस 2. तो आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2, और जो प्लस वाला टर्म है उसको आप पहले लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो. ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस वाले साइन को पहले लिखाऊं और माइनस वाले को बाद में लिखाऊं. तो कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी टर्म से अगर आप प्लस कॉमन निकालते हो तो वो टर्म का अंदर में जो साइन है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो टर्म का जो साइन है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा. नेगेटिव विल चेंज टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल चेंज टू द नेगेटिव. ओके. नाउ आई हैव जस्ट टेकन क्वेश्चन नंबर 8 टू सॉल्व. ट्राई टू सी व्हाट द क्वेश्चन इज दैट. 2x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व. तो हियर आई हैव रिटन हियर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज गिवन द क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म आई सी दैट अ 4 इज कॉमन, एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेक आउट माइनस 4 एज अ कॉमन. तो अगर मैंने यहां माइनस 4 कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या बचेगा 2x. और मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो साइन उसका रिवर्स हो जाएगा. तो यहां पे माइनस 8x था तो ये हो जाएगा 2x. अब देखो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो, बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए. माइनस 4 इंटू 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 टू ज 8x सेम आ गया. और यहां पे प्लस 12 है तो अगर मैंने माइनस 4 कॉमन निकाला तो साइन चेंज कर गया. मैंने बताया था कि अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन जस्ट रिवर्स हो जाएगा. तो 12 प्लस में है तो यहां माइनस 3 हो गया. ठीक है. नाउ नाउ यू सी दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म. मैंने पॉलिनोमियल से पहले डिस्कस कर दिया था कि टर्म्स जो है ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. तो आप देख सकते हो दिस इज द 1 टर्म, दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज 1 टर्म. तो टोटल यहां पे 3 टर्म्स थे. तो 3 टर्म्स से मैंने इन दोनों से कॉमन निकाला. अब ये देखो 2 टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं. नाउ इन दोनों टर्म में आप देखोगे कि यहां पे 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है. तो 2x माइनस 3 आई हैव टेकन आउट द कॉमन. तो यहां पे स्क्वायर था, एक अगर बाहर चला गया तो यहां पे 2x माइनस 3 बचा और यहां पे क्या बचेगा माइनस 4. नाउ इसको एज इट इज लिख दो 2x माइनस 3. नाउ हियर 2x माइनस 3 ओपन द ब्रैकेट माइनस 4. नाउ माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 7. तो इस टर्म का फैक्टराइजेशन यू विल गेट 2x माइनस 3 एंड 2x प्लस 7. तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 9. तो इन क्वेश्चन नंबर 9 यू सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए एंड माइनस 1. हाउ मेनी टर्म्स? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गया. तो 6 टर्म है. तो मैं ऐसा करता हूं दो दो टर्म का पेयरिंग किया हूं. अब देख सकते हो मैंने यहां पर अंडरलाइन में करके रखा है. तो मैंने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को एक साथ पेयरिंग किया है, और ए एक्स और एक्स को एक साथ पेयरिंग किया है, और माइनस ए और माइनस 1 को पेयरिंग किया है. नाउ फ्रॉम एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर कॉमन है,
तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहां से x स्क्वायर बाहर आ चुका है, सिर्फ 1 बचेगा। नाउ इन दोनों में मुझे कॉमन x दिख रहा है, यहां पे क्या बचेगा a, और यहां पे x जा चुका है तो 1। नाउ अब देखो यहां पे इन दोनों में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है कुछ भी नंबर, तो मैं देख रहा हूं माइनस साइन सिर्फ कॉमन है, तो माइनस को मैंने बाहर निकाला, तो a प्लस 1, मैंने डिस्कस किया था अभी कि अगर माइनस कॉमन निकालो तो साइन चेंज हो जाएगा, तो a भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो दोनों प्लस में आ गए। नाउ यू सी देयर वाज अ सिक्स टर्म वाज देयर, नाउ फ्रॉम द सिक्स टर्म आई हैव जस्ट टेकन आउट कॉमन, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फ्रॉम हियर टू हियर वन टर्म, हियर टू हियर वन टर्म, हियर टू हियर वन टर्म, तो थ्री टर्म वाज देयर। नाउ यू सी दैट इन दीज थ्री टर्म नथिंग इज कॉमन, बट वॉट आई सी बिटवीन दीज टू टर्म ए प्लस 1 इज अ कॉमन, तो मैं सिर्फ इन दोनों में से ए प्लस 1 को कॉमन निकालता हूं। यहां का पार्ट को मैंने एज इट इज लिख दिया है, ए प्लस 1 मैंने कॉमन निकाला है, यहां पे क्या बचा x, और यहां पे क्या बचा माइनस 1। नाउ यू सी फ्रॉम द सिक्स टर्म इट हैज कन्वर्टेड टू द थ्री टर्म, एंड फ्रॉम द थ्री टर्म इट हैज कन्वर्टेड टू टू टर्म। नाउ यू सी दैट इन दीज टू टर्म यू सी द x माइनस 1 इज कॉमन, तो अगर x माइनस 1 को कॉमन निकालूंगा यहां से बचेगा x स्क्वायर, और यहां से ये बाहर जा चुका है, यहां बचेगा a प्लस 1, सो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म इज दिस वन। नाउ हियर यू सी क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव सिलेक्टेड हियर ए बी, क्वेश्चन इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस वन। नाउ यू सी इन दीज टू ब्रैकेट नथिंग इज कॉमन, तो वट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट विद मल्टीप्लाइंग द टर्म विच इज इन द फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट। ओके, तो ab मल्टीप्लाई बाय द x स्क्वायर, तो ab x स्क्वायर, नाउ ab into y स्क्वायर, तो ab y स्क्वायर, एंड हियर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर। आई टोल्ड यू कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो देखो a प्लस में है, तो यहां पे माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, एंड हियर ऑल्सो माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। नाउ दिस टू टर्म हैज बीन कन्वर्टेड इंटू द फोर टर्म। नाउ यू सी अगर आप ये फर्स्ट टू को एक साथ पेयर करके कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट द सेम टर्म। अगर मैं अगर इन दोनों को पेयरिंग करके और यहां से ए बी कॉमन निकालूंगा तो मेरे को यही वाला टर्म आ जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू कि आई विल जस्ट चेंज द पेयरिंग, तो आई एम जस्ट पेयरिंग द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म, एंड हियर सेकंड टर्म एंड द फोर्थ टर्म। नाउ व्हाट आई सी दैट इन द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म व्हाट इज अ कॉमन, आई सी ए बी एक्स एंड हियर ए स्क्वायर एक्स वाई, तो आई सी दैट ए एन एक्स एंड ए एन एक्स इज कॉमन, तो ए एक्स आई हैव टेकन कॉमन, तो अगर ए और एक्स निकाल चुका हूं यहां बचेगा बी, और यहां पे ए एक एक्स बचा है तो बी एक्स, एंड हियर यू विल सी वन ए हैज गॉन, तो वन ए विल लेफ्ट, एक्स इज गॉन तो वाई विल लेफ्ट, तो फ्रॉम आफ्टर टेकिंग द कॉमन ए एक्स हियर बी एक्स माइनस ए वाई इज लेफ्ट। नाउ ये थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में आप मैं देखता हूं यहां पे मेरे को बी वाई कॉमन है, बी एन वाई, तो बी वाई कॉमन निकाल लिया, तो यहां मेरे को बचा यहां पे ए वाई और माइनस यहां पे बी एक्स। नाउ यू सी दैट दिस फोर्थ टर्म हैज कन्वर्टेड टू द टू टर्म्स, बट यू सी दैट नथिंग इज कॉमन बिकॉज इनसाइड द ब्रैकेट द टर्म्स आर सेम हियर बी एक्स, हियर ऑल्सो बी एक्स, हियर ए वाई, हियर ऑल्सो ए वाई, बट यू सी द साइन इज चेंज, हियर बी एक्स माइनस ए वाई एंड हियर ए वाई माइनस बी एक्स, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर में सेम टर्म है लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालता हूं। मैंने बता दिया था आपको भी जस्ट कि अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के इनसाइड का जो साइन है जो भी टर्म्स का वो चेंज कर जाएगा, तो ये सीधे अगर मैं इनसे माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला तो वो माइनस यहाँ पे वो माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस। नाउ ए वाई यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप देखो यहाँ पे ए वाई नेगेटिव हो गया और यहाँ पे बी एक्स यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया ये, तो जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला इनसाइड द ब्रैकेट द साइन हैज चेंज, और जैसे साइन चेंज हुआ नाउ यू विल सी दैट इन दीज टू टर्म टू ब्रैकेट्स आर सेम, टू ब्रैकेट आर सेम, जस्ट टेक आउट द ब्रैकेट वन कॉमन, तो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन निकला और यहाँ पे क्या बचा ए एक्स एंड हियर माइनस बी वाई, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई एम जस्ट सेलेक्टिंग हियर 15 नंबर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3x एंड प्लस 3 बाय x, तो हियर व्हाट आई हैव डन कि इन दिस पार्ट इन देयर 2 वाज देयर, तो इन दिस 2 आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग विद द x एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद द 1 बाय x, क्योंकि अगर आप x मल्टीप्लाई करोगे ऐसे अगर x इंटू 1 बाई तो x x कैंसिल करके तो 1 ही आ जाएगा, तो अगर आप यहां पे ये टर्म लिखते हो तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बट वट यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ दिस वन ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज इफ यू आर डूइंग लाइक दिस वन इन ओनली 2 एंड रेस्ट द थिंग्स आर सेम, तो ये जो पूरा टर्म है आप देखो एक फॉर्मूला में सेट होगा, अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो इस फॉर्मूला में देखता हूं अगर मैं x को अगर a रखता हूं और 1 बाई एक्स को b रखता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो इस पूरा टर्म के प्लेस पे आप x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हो, और यहां पे इन दोनों टर्म से मैंने माइनस 3 कॉमन निकाला, तो यहां पे x और यहां पे माइनस 1 बाई एक्स,
मैंने 3 दोनों से कॉमन निकाला तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो चुका है और ये प्लस था तो ये माइनस हो चुका है. नाउ यू सी दैट इन दीज टू टर्म यू विल सी x माइनस वन इज अ कॉमन, तो टेक आउट x माइनस वन इज अ कॉमन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर, x माइनस वन बाई एक्स विल बी लेफ्ट एंड हियर दिस हैज गॉन आउट, तो ओनली माइनस थ्री विल बी लेफ्ट. तो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टर्म इज दिस ओनली. नाउ I'm going to discuss some more factorization, and now the factorization will be the based on this formula a square minus b square, that is the a plus b and a minus b. So I'm just solving some of the question and I will give you some more question to solve as a homework. Okay, the first question I have taken 2 minus 50x square. So you see that I have to make both the term perfect square. Now you see neither 2 is a perfect square nor 50 is a perfect square. So what I will do, I have taken 2 common from both the term. So I have taken 2 common, so here 1 will be left and here 2 has gone, to 25x square. So now this 1 is, so 1 ko main 1 ka square likhunga, kyunki 1 ka aap jitna hi power karo, wo same number milega. Now you see that 25 is the perfect square of 5 and x स्क्वायर, तो इस 25x स्क्वायर का मैं 5x का होल स्क्वायर ले सकता हूं. अब आप देखो ये पूरे टर्म को अगर मैं a एज्यूम करता हूं और इस पूरे टर्म को b एज्यूम करता हूं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला इज a प्लस b एंड a माइनस b, तो दिस टर्म हैज बीन फैक्टराइज बाय लाइक दिस. नाउ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये टर्म है. तो यहां पे 4 टर्म है, तो ज्यादातर 4 टर्म और फैक्टराइजेशन में 2-2 टर्म्स में कॉमन निकल जाते हैं मैक्सिमम में. तो cl, तो इन दीज टू टर्म व्हाट आई सी दैट एक्स स्क्वायर इज कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हैव टेकन आउट, हियर स्क्वायर हैज गॉन, तो ओनली एक्स इज लेफ्ट एंड हियर माइनस 5. अब इन दोनों टर्म में से आप देखो माइनस 1 को कॉमन निकालो, तो यहां पे क्या बचेगा, x और यहां पे माइनस 5. मैंने जैसे बताया था माइनस कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में जो भी रहेंगे उसका साइन रिवर्स हो जाएगा. नाउ यू सी इन दीज टू टर्म x माइनस 5 इज अ कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर, एक्स स्क्वायर एंड हियर माइनस 1. तो दिस वन आई हैव रिटन सेम ओनली x माइनस 5 एंड हियर x स्क्वायर, 1 कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 स्क्वायर. तो आप यहां पे देखो x माइनस 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया. अब यहां पे फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b एंड a माइनस b, तो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन. द लास्ट वन यू सी हियर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9. तो इन टर्म में देखो 4 टर्म है, तो 4 टर्म्स में अगर मैं 2-2 टर्म्स में कॉमन निकालना चाहूंगा तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है. अगर आप मैं फर्स्ट और थर्ड का पेयरिंग करूंगा तो भी कॉमन नहीं आ रहा है, और अगर सेकंड और थर्ड फोर्थ का पेयरिंग करूंगा तो भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो इस टर्म में इसको कैसे फैक्टराइज करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इन द लास्ट 3 पार्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन माइनस एज अ कॉमन. तो यहां पे अगर इन तीनों टर्म से मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये माइनस वाई स्क्वायर है तो ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 6y है तो माइनस 6y, और यहां पे माइनस 9 है तो ये प्लस 9. तो अगर इन सब से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहां पे ये टर्म अंदर में बचा. नाउ यू सी दिस टर्म व्हाट आई कैन राइट, दिस y स्क्वायर कैन बी रिटन y स्क्वायर, दिस 9 कैन बी रिटन 3 स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर 9 होता है. तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला इसको सेट करना चाह रहा हूं. ये फॉर्मूला मैंने पहले डिस्कस किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो मैं देख रहा हूं यहां पे मेरे को ए स्क्वायर मिल चुका है, बी स्क्वायर मिल चुका है. अगर मैं माइनस 2ab लिखता हूं तो माइनस 2 a के प्लेस पे y लिखना पड़ेगा और b के प्लेस पे 3. तो अगर इसमें सॉल्व करता हूं तो 3 2 जा 6 और y, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल यही टर्म आ जाएगा. तो इस टर्म को सॉल्व करने में मैंने इसको एक्सपैंड करके इस फॉर्म में लिखा, तो इस फॉर्म में लिखने से मैं इसका नेक्स्ट टर्म क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो है y माइनस 3 का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेशन है. नाउ दिस टर्म कैन बी एज्यूम एज ए, और यहां पे इसको मैं पूरा बी मानता हूं क्योंकि यहां पे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए एंड वाई प्लस 3 एंड ए माइनस बी. अब यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया हूं मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस 3, और यहां पे एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई और प्लस 3. तो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज दिस वन. नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन टू सॉल्व. थैंक यू.